कौमी असम्बली के हवाले से। नाज़रीन, मुश्किल मौआशी हालात में एक बार फिर सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने खुशखबरी सुनाई है। कौमी असम्बली में बताया कि सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल देगा। तेल की फराहमी का मुआहदा तकमील के करीब है। 2 से 3 रोज़ में तफसीलात सामने आ जाएंगी। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी। इस हवाले से शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में क्या कहा है, आइए देखते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया हमें, जिसमें डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी भी थी, कैश भी था, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल में $5 बिलियन का तो कैश ही था जो हमारे पास रखा, उनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ले लिया। लेकिन इस वक्त भी जैसे हम एज वी स्पीक स्पीकर साहब के सऊदी अरेबिया इस वक्त फिर एक नई फैसिलिटी के बारे में सोच रहा है हमें, जिसमें क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त हमारे ऊपर थोड़ा सा ये बोझ पड़ गया तेल की कीमतों का, तो वो तेल की कीमतों के लिए डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी के बारे में बिल्कुल ना सिर्फ सोच रहे हैं, बस तकरीबन मुआहदा जो है तय पा गया है और इंशाल्लाह वो अगले 1-2 दिनों में या 3 दिनों में पता चल जाए। नाज़रीन, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर आकिब कयूम सुलेहरी साहब ने। सुलेहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुलेहरी साहब, वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी को यकीनी बनाएगा और ये मुआहदा तकमील के मराहल में है, क्या समझते हैं इससे बेहतरी क्या आएगी? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो एनर्जी प्राइसेस जो हैं आलमी मंडी में वो अपनी हाईएस्ट सतह पे हैं। $80 पर बैरल को इस वक्त तेल छू रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान पे इस वक्त जो बैरूनी अदायगियों का जो बोझ बनता चला जा रहा है वो हमारे रुपए की कद्र को भी कम कर रहा है और उससे बाकी भी ट्रेड इम्बैलेंस के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इन तमाम इस सूरत हाल में अगर कोई दोस्त मुल्क जो है वो आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की फैसिलिटी फ्राहम करता है तो वो जो आपको फौरी तौर पे अदायगी करना होती थी ऑयल इंपोर्ट पे, अगर वो 1-2 साल के लिए मौखर हो जाती है तो पाकिस्तान को एक थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी, जिसमें कि वो अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको दुरुस्त रखते हुए अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल बेहतर कर सकेगा। लेकिन सुलेहरी साहब, ऐसी सूरत हाल में मैकेनिज्म क्या होता है, यानी अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, अगर अब हम तेल खरीदते हैं तो क्या मुस्तकबिल के अंदर अगर ये कीमत कम भी हो जाती है तो हमें यही कीमत अदा करनी पड़ेगी? नहीं जी, जो भी जो तो वो तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट जो भी रेट चल रहा होगा वही रेट लगेगा, लेकिन उसके डॉलर हमें फौरी तौर पर नहीं देना होंगे, तो वो जो डॉलर का एक बार होता है आप पे कि हमारा ज़र मुबादला ना कम हो जाए जिसकी वजह से रुपए की कदर पे हिट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। तो तेल की कीमत अगर आलमी मंडी में ज़्यादा है तो जाहिर है वो ज़्यादा चार्ज हो रही होगी, अगर वो कम है तो कम चार्ज हो रही होगी, तो तेल की कीमत फिक्स रेट पे नहीं होगी, सिर्फ ये होगा कि उसकी जो अदायगियाँ हमें करना होती हैं जो कि अभी क्वार्टरली हो रही होती हैं, रिफाइनरीज जो हैं वो हर क्वार्टर के एंड पे पेमेंट करती हैं, तो वो अगर आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जो भी इसकी मॉडलिटीज तय पाएंगी, तो जब हमें उस 2 साल के बाद पेमेंट करना होगी तो उतना अर्सा आप पे कम अज कम ये जो पोर्शन होगा आपकी एक्सपोर्ट्स का और पेमेंट का इसका थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। सही, सुलेहरी साहब साथ ही रहेगा हमें, यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मईशत समीउल्लाह तारिक साहब। समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समीउल्लाह साहब, जब पाकिस्तान के अंदर दरामदात में भी इजाफा हो रहा है, तरसीलाते ज़र में भी इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ डॉलर की प्राइस भी कंट्रोल नहीं हो रही, ऐसे वक्त में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी करता है तो ये कितना बड़ा रिलीफ होगा? समीउल्लाह साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। समीउल्लाह साहब, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हमारे क्राइसिस भी है, महंगाई का इजाफा है, तो अभी बुनियादी तौर पे जो खुशखबरी सामने आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी करेगा, तो ये आपकी नज़र में कितना बड़ा रिलीफ है हमारी मईशत के लिए? देखिए, काफ़ी बड़ा रिलीफ है। हम साल की तकरीबन जो है वो $13-14 अरब के लगभग, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट करते हैं तकरीबन $1.25 अरब महीने की, उसके अंदर क्रूड ऑयल भी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं और जो है वो एलएनजी वगैरह भी है।
अगर ये कि हमें सऊदी अरेबिया से अगर डिफर्ड पेमेंट पे जो है वो अगर तेल मिल जाता है, तो जाहिर है इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो अदायगियों का तवाजुन है उस पर काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो करेंसी भी प्रेशर में थी, क्योंकि डिमांड डॉलर की ज़्यादा थी, तलब ज़्यादा थी, तो उसके हिसाब से चूंकि अगर हमें अभी इस वक्त डॉलर नहीं देने पड़ेंगे और ये आगे जाके देने होंगे, तो मेरा ख्याल है तो समीउल्लाह साहब, अगर फर्ज कर लीजिए कि अगर हमें अभी डॉलर देना पड़े तो इस वक्त जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है ये मजीद हो जाएगा, ये जो है ज्यादा, मेरा ये ख्याल है कि इसमें से काफी हद तक इजाफा जो हो चुका है, लेकिन ये कि बहरहाल इस वक्त भी प्रेशर तो है, क्योंकि डॉलर की तलब ज्यादा है और रसद कम है, उसके दो तीन वजूहात हैं बड़ी। एक तो ये कि हमारा जारी खातों में खसारा हुआ है 3-4 महीने, उसकी वजह से तलब ज्यादा हो गई है। दूसरा ये कि अफगानिस्तान का भी कुछ जो है वो प्रेशर फील हो रहा है करेंसी मार्केट के अंदर। सही, सुलेरी साहब आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में, अगर हम इससे बढ़ के बात करें, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल को देखें, हमारे तरसीलाते ज़र, बरामदात, दरामदात और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, इन चारों चीज़ों में इजाफा हो रहा है, और अगर गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की बात करें तो उसमें कमी वाकई हो रही है, ये वजारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट है, तो मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस आउटलुक रिपोर्ट में जो एक मेजर फैक्टर जिसकी तरफ निशानदेही की गई है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, और ये डिपेंड करता है मुस्तकबिल के अफगानिस्तान जो है उसका सिचुएशन जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड होती है, क्या वहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन पाती है जिसको कि इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल होती है, या वहाँ पे अभी मजीद कुछ अर्सा इसी तरीके से इंटरिम अरेंजमेंट रहता है जिसको कि आलमी दुनिया जो है वो नहीं मानती। और इसका दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान को इस सारे तनाजर में कैसे देखा जाता है। कल भी आपने देखा कि 40 के करीब सेनेटर ने यूएस में एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव की है जिसमें पाकिस्तान के रोल को प्रोब करने की बात की गई है, जो यूएस विड्रॉल के बाद तालिबान का वहां पे टेक ओवर है। तो ये दोनों चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के इक्तसादी मामलात को अफेक्ट करेंगी, ख्वाब वो फाटक हो, ख्वाब वो IMF के साथ हमारे जो है निगोशिएशन वो हो, या वो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आना हो। अभी हमने देखा कि किस तरीके से क्रिकेट टीम्स जो थी उन्होंने आने से इनकार कर दिया सिर्फ एक परसेप्शन की बुनियाद पे, तो यही परसेप्शन जो है ये इन्वेस्टर्स को भी मुतासर करती है। तो ये वेट एंड सी वाला मामला है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि शायद पूरा साल हमारे साथ टैग रहे, लेकिन अगले 2-3 महीने जब तक कि अफगान सिचुएशन क्लियर नहीं होती है तब तक जो एक आउटलुक पेश की गई है वो काफी रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। समीउल्लाह साहब, आप क्या राय रखते हैं कि अगर दोस्त मुमालिक हमारी मदद कर रहे हैं तो कितनी देर हम सस्टेनेबल पोजीशन पे होंगे, वेट एंड सी का जो पूरा चक्कर है वो कब खत्म होगा? देखिए, अभी तो ये हीटेड मोमेंट है ना, क्योंकि वहाँ यूएस में चीज अभी जो है वो डिस्कशन में है, 1-2 महीने में इंशाल्लाह जाहिर है ये जो सैंक्शन और ये जो वाली बात है ये तो मेरा ख्याल है गुजरी जाएगी। होपफुली मेरा ख्याल है 95% कोई ऐसा चांस नहीं कि हमें सैंक्शन लगे, पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री, लेकिन ये कि 1-2 महीने जाहिर है कुछ प्रेशर रहेगा। दूसरा ये कि जाहिर है उसके दो एंगल ने, दूसरा करेंसी जितनी डिप्रिशिएट हुई है मेरा ख्याल एक तो नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर भी है, इसकी वजह से भी दरामदात के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ जो है ये जो ऑयल की डेफरमेंट है इससे फ़र्क पड़ जाएगा, तो हुकूमत स्टेप्स ले रही है और प्राइवेट सेक्टर पर खुद ब खुद इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट में भी खुद ब खुद कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी एक्सचेंज रेट की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 महीने में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगले 2-3 माह में हुकूमत की जानिब से जो इकदामात लिए जा रहे हैं उससे सूरतेहाल बेहतर भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब और डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब, 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।